तो सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 3 स्केलेटन पड़े हुए हैं और मैंने इनको मार दिया। थोड़ी सी एक्सपी मैंने गेन कर ली है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का एक सर्वाइवल सीरीज। और मैं अपने चारों तरफ ये जो घर बना है इसके चारों तरफ एक मेगा वॉल, गार्ड वॉल जैसा बनाने वाला हूँ। तो गाइस देखते रहिए इस वीडियो को, और यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का सफ़र। तो मैंने बहुत सारी कॉबल स्टोन यहाँ पर इकट्ठा कर ली है। पीछे मेरे जो घर के पीछे जो पहाड़ जैसा था उसको मैंने तोड़ तोड़ के वहाँ से बहुत सारी कॉबल स्टोन कलेक्ट करेंगे। बहुत सारे कॉबल स्टोन की ज़रूरत है भाई मेगा वॉल जो बनाने वाले हैं। तो मेगा वॉल की नींव तो मैंने पहले ही रख दी है, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ था, उसको प्लेन करना था। तो अभी हम अपने चारों तरफ का पिलर जो है, 4 पिलर हम यहाँ पे बनाएंगे। ये 40 ब्लॉक का बनेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 40 ब्लॉक कम्प्लीट हो चुका है, और हम अभी आगे बढ़ेंगे। अब तो पहले मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ, और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कोई डैमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बगल में कोई ना ही स्टेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। स्कैफोल्डिंग मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया है, और आगे भी कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि भाई ये मेगा वॉल है, बहुत टाइम है। 40 ब्लॉक आप सोच सकते हो कितनी बड़ी हो सकती है। 40 ब्लॉक का ये हमारा लगभग, ये 3 पिलर मैंने अभी तक यहाँ पे खड़े किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कोने में, चारों कोने में थोड़ा एक प्लेटफॉर्म जैसे बनाऊँ ताकि यहाँ पे मैं खड़े हो सकूँ। अरे भाई ये क्या लगा दिया मैंने, मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स लगाने थे, ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे लगाने हैं। और मैं चाहता हूँ कि 5x5 का ये ब्लॉक बने, ताकि थोड़ी सी जगह मेरे को यहाँ पर मिल जाए, और यहाँ से व्यू भी बहुत ही मज़ेदार दिखने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से स्विफ्ट दबा के काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से अगर नीचे गिरा तो भाई मेरी तो खैर नहीं, सारी जो एक्सपी मैंने गेन की है सारे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लगभग 5x5 का नहीं बना, इस साइड का थोड़ा सा बचा है, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये लगता है 5, और इस साइड का थोड़ा सा बचा है, 4 ब्लॉक है, 5x5 का ब्लॉक बनाना है हमको। तो ये लगभग 5x5 का ब्लॉक बन चुका है। तो ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं गार्ड वॉल जैसा बनाने वाला था इसके बगल से, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ, तो मेरे को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पानी की बाल्टी, क्योंकि गाइज मैं अपने वॉल के आउटर साइड में एक फेंस बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे भाई पीछे एक्सपी का मिलने का टाइम मेरे को मौका, ओ देखो एक के बाद भाई मेरा ये वर्किंग कंडीशन में बहुत मज़ा आ रहा है भाई, एक्सपी की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे ये वॉल बनाते बनाते मैं बहुत बार गिर चुका हूँ नीचे, मेरी एक्सपी ख़त्म हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास अनलिमिटेड एक्सपी फॉर्म है, तो मैं कभी भी अपनी एक्सपी गेन कर सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि अपने वॉल के आउटर साइड में मैं एक ड्रेन जैसा पानी का बना रहा हूँ, ताकि कोई ज़ॉम्बीज मॉब्स वगैरह यहाँ पे आसानी से इसको पार करके ना आ पाए। ऐसे भी वो अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेगा वॉल इसके सामने खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने, अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे पानी का ये बना रहा हूँ, मतलब ड्रेन जैसा बना रहा हूँ, नहर जैसा, तो इसके इसको क्रॉस करके कोई अंदर ना आ जाए। तो यहाँ से पानी लो और यहाँ पे डालो। अच्छा हुआ कि पानी का सोर्स मेरे बगल में था, नहीं तो भाई बहुत दूर से लाना पड़ता। पहले मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था कि यहाँ पे से बनाऊंगा, बाद में मैंने ये सोचा, मतलब ना पहले, मतलब ये घर दीवार बनाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो अभी जब घर बना लिया है तो दीवार बना, एक्सपी फार्म बना लिया है, एनिमल फार्म बना लिया है, अपने लिए एक कुछ फार्म बना लिया है, खाना पीना के लिए, खाने पीने के लिए तो ये भी बना लेते हैं। तो इसको पूरा कम्प्लीट करना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम लगने वाला है, तो धीरे धीरे हम इसको करते रहते हैं। और यहीं से अब तो पानी का सोर्स मेरे यहाँ से थोड़ा दूर जा चुका है, तो मुझे लगता है कि मैं यहीं से पानी कलेक्ट करूँगा और यहीं पर डालूँगा, यहाँ से पानी कलेक्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे। तो गाइस पानी का काम तो लगभग अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है। और नहीं यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ भाई, नहीं इसको कर देते, यहाँ पर पूरा है, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने पानी, लेकिन भरा नहीं भाई, कहाँ गया, अब भर गया।
और यहाँ से लेके यहाँ जहाँ जहाँ कमी है वहाँ वहाँ हम यहीं से लेके डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स है पानी का। ओ भाई, यहाँ पे मैंने टॉर्च को गलती से लगा दिया। ऐसे करते करते मुझे अपने गार्ड वॉल के जो मेगा वॉल है उसके चारों ओर ऐसा पानी भरना है। भाई सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा। लेकिन मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, क्योंकि भाई आप लोग बोर ना हो जाओ। मैंने इस पर सिर्फ मेन पार्ट जो है वही सब ऐड किया है। अच्छा, तो चलो यहाँ तक मैंने भर दिया है पानी। तो गाइज, मैंने अपने चारों तरफ पानी जो है भर दिया है। अभी यहाँ पे हमारा गार्ड वॉल मेकिंग टाइम आ चुका है और हम अपना गार्ड वॉल यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और ये बीच बीच में जो देख रहे हो दूसरे स्टोन का ब्लॉक्स, यहाँ पे गाइज पहाड़ था तो मैंने जब उसको फोड़ा था तो ये उसी के लाइन के हिसाब से मैंने छोड़ दिया ताकि ये बना रहे। ये देखिए, ये बगल वाला जो है स्टोन है उसको मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि ये रहने, बाद में हम इसको चेंज कर सकते, अगर ऐसा लगे कि चेंज करना है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, इस गार्ड वॉल को यहाँ पे बना लेते हैं। और गाइस, आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा ब्लॉक कहाँ पे लगा दिया। भाई ऐसा गलती बीच बीच में हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं जो बोल रहा था कि मैंने जो बगल में देख रहे हो आप बैम्बूज लगे हुए हैं, वहाँ से बहुत सारे बैम्बूज मैंने तोड़ लिए हैं, ताकि मुझे तो बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा करके मैंने बैम्बू तोड़ लिया। और भाई बैम्बू मैं बहुत दूर से जंगल व्यायाम से लेके आया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, दो दो ब्लॉक का ये पिलर यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बीज आ भी जाए तो वो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो यहाँ पे लगभग दो दो ब्लॉक का कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम पिलर बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है, पिलर तो मैंने बना लिया है, तो इसके बगल से भी थोड़ा सा पिलर बना लेते हैं। वो देखिए माउस वगैरह बाहर घूम रहे हैं, और वहाँ पे भाई एक अंडरमैन भी है। तो भाई मैंने जो ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया था वहाँ तक तो मैं पहुँच गया। तो गाइस अभी देखिए यहाँ से मैं आगे जाने वाला हूँ, एक एक ब्लॉक करके भाई मुझे थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं अगर नीचे गिरा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो गाइज ऐसे धीरे धीरे करके बनाते, तो गाइज क्या ही बोलूँ, कितनी रात होने वाली है, मतलब कितना टाइम जाने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता। तो हम बनाते रहते हैं इसको। और भाई देखिए मेरे नीचे है मेरा एक्सपी फार्म, मतलब इतना बड़ा एक्सपी फार्म मेरे नीचे है, मतलब मेरा मेगा वॉल सच में बड़ा है। तो गाइज मैंने ये चारों तरफ से ये ऊपर का जो पार्ट कम्प्लीट कर लिया ताकि मुझे एक मेजरमेंट लगा रहे, और सबसे मुश्किल पार्ट अभी आने वाला है, इनको फिल करना। तो गाइज फाइनली मैंने बहुत मुश्किल करके इन सब को फिल कर लिया है, ब्लॉक से भर दिया है, और एक साइड मैंने क्या किया है, दो दो ब्लॉक एक्स्ट्रा लगाए हैं। लगाने के बाद बीच में कॉबलस्टोन का एक ब्लॉक था उसको मैंने छोड़ दिया, और साइड में दो मैंने स्मूथ स्टोन का लगाया, उसके बगल से मैंने उन्हें उसको ऊपर से मैंने फेंसिंग लगा दिया ताकि भाई मैं नीचे ना गिरूँ। और मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया कि मैं क्यों ना यहाँ से एक प्लेटफॉर्म के मतलब मेरा कहने का मतलब, भाई देखिए मैं यहाँ से नीचे गिर गया था और मेरी सारी एक्सपी खत्म हो चुकी है, बस 3 एक्सपी में मैं आके अटका हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी तो बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। मैंने चड्डी वड्डी सब मेरी खो गई थी, मैंने पहन लिया उसको। और भाई मैं अभी फिर से बनाने वाला हूँ, मैं अपने सारे चीज़ों को अपने हिसाब से रख लेता हूँ। और भाई यहाँ पर मैंने स्काफ फोल्डिंग लगाया है ऊपर नीचे आने के लिए। और मैं गाइस अभी सोच रहा हूँ कि ये नीचे का प्लेट ऊपर से नीचे कैसे आऊँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एक्सपी फार्म है इसके बगल से मुझे एक स्काफ होल्डिंग लगाना चाहिए। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे स्काफ होल्डिंग लगाने के लिए मेजरमेंट थोड़ा ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे है तो इसी के बगल से ही मुझे लगाना है, ताकि एकदम सीधा जाके मेरे स्काफ होल्डिंग सीधा एकदम एक्सपी फार्म के टॉप पे जाके रुके। तो ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने मेजरमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, अभी चलो लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला स्काफ होल्डिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और इसको ऊपर स्टैक के ऊपर स्टैक लगाएंगे, मतलब स्काफ होल्डिंग के ऊपर स्काफ होल्डिंग लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि गाइज ये हो चुका है पूरा। ओ भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गया, तो मुझे जल्दी से अपना एक्स, ओ भाई अबे रुक जा, मुझे एक्स तो लेने दे, अबे रुक तेरी तो, रुक जा भाई। तो मैंने भाई जब मैं नीचे गिरा था मैंने अपनी चीज़ें सजाई नहीं थी, तो मैं सजा लेता हूँ। फिर से मार रहा है भाई, रुक जा, अब आ जा बेटे, अब आ जा, अब तेरी तो खैर नहीं, अब तू गया एकदम सीधे ऊपर। हाँ मतलब नीचे जाके सीधा उसकी आत्मा ऊपर, इसकी एक्सपी मेरे अंदर।
भाई पीछे यहाँ पे गिरा और एक स्केलेटन, तो मैं इसको मार के अपनी एक्सपी थोड़ी सी गेन कर लेता हूँ। टाइम लगता है लेकिन भाई मिलता रहेगा आपको, इसमें कोई चीज़ अनलिमिटेड है। तो मैं रात हो चुकी है तो दूसरा कोई ज़ॉम्बी जाके मेरे को परेशान ना करे, इसलिए मैं पहले सो जाता हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, अभी मैं जाता हूँ ऊपर। ऊपर जाने के बाद हम ऊपर की तरफ से मतलब उसके मतलब एक्सपी फार्म के ऊपर से, वो नीचे रहेगा एक्चुअली, और ऊपर की तरफ जो मेरा मेगा वॉल का टॉप है उसकी ऊपर की तरफ हम अपना सीढ़ी जैसा बनाएंगे ताकि भाई आसानी हो। भाई उस तरफ से नीचे आने में बहुत मुश्किल हो रही थी, मैंने बहुत ट्राई भी किया था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखेंगे कि हालात कैसे हैं ऊपर के। तो मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और भाई मैंने एक लगाना और चाहिए था, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक स्टोन का ब्लॉक लगा देता हूँ और उससे हम आसानी से ऊपर चले जाएंगे। ये हम ऊपर आ गए, तो ये बगल में लगाया ताकि मैं यहाँ पे सीढ़ी बनाऊँ तो मुझे ऊपर जाने नीचे आने में कोई आसानी ना हो। और भाई ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे मुझे स्मूथ स्टोन लगानी थी और मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन लगा देता हूँ और इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से हम अपना काम पूरा शुरू करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, भाई नीचे गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगाया और इसके ऊपर हम दोबारा से एक ब्लॉक लगाएंगे और नीचे वाला ब्लॉक तोड़ देंगे। और ये ब्लॉक मैंने यहाँ से तोड़ दिया और इसके लेफ्ट में एक ब्लॉक लगाएंगे अभी हम, और राइट में एक ब्लॉक लगाएंगे, और इसी तरह से हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। और भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फेंस भी लगा रहे ताकि भाई काम करते करते मैं कहीं गलती से गिर ना जाऊँ। और भाई मैं इसके ऊपर जो एक्सी फार्म है इसके ऊपर भी लगाने वाला हूँ, ये जो है क्या बोलते हैं फेंस, इसको लगाने वाला हूँ लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं उसको पूरा कर लेते हैं। और ये फेंस मैंने लगा दिया और यहाँ भी कंप्लीट हो गया, तो अब इसके ऊपर जाएंगे, हमें गिरने की बगल से कोई गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह से मैंने पहले वाला किया था उसी तरह से मैं पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सजावट के लिए कॉबल स्टोन का ब्लॉक बीच में लगाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया और कॉबल स्टोन का ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया। और फिलहाल मैं ऊपर का कंप्लीट कर लेता हूँ, वहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा। फेंस लगा लेते हैं यहाँ पे, और भाई थोड़ा सा ही बचा है और एक दो ब्लॉक लगाने पर ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड खड़ी है कर दी है मैंने, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। और ये आखिरी ब्लॉक हम यहाँ पे लगाएंगे, ये नहीं इसके बाद वाला जो ब्लॉक है, दो ब्लॉक लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा भाई आपस में। तो यहाँ पे फेंस लगा लेते हैं हम, फेंस को हमने यहाँ पे ऐसे करके लगाने हैं ताकि भाई हम नीचे ना गिरे। और ये ऐसे लगा रहे हैं हम, इसके ऊपर एक लगाएंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे और धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। और यहाँ से भी थोड़ा सा बचा हुआ है और ये लगभग, और भाई नीचे आप देखा होगा वो देखिए खड्डा दिख रहा है, वो खड्डा भाई मैंने वहाँ पे मैंने अपने दीवार के चारों तरफ दरवाज़ा लगाया है, डोर लगाया है प्रेशर प्लेट के साथ। तो भाई एक क्रीपर पता नहीं कहाँ से अंदर आ गया था गलती से, उस क्रीपर ने यहाँ पे गड्ढा कर दिया, उस गड्ढे का भी हम भर देंगे। और जो स्काफोल्डिंग आप ये नीचे देख पा रहे जा रहे हैं वो चारों साइड लगा हुआ है भाई। और ये हमारा ये कनेक्ट हो गया भाई, तो इस पे हम यहाँ पे बीच में से तोड़ देते हैं और यहाँ पे कॉबलस्टोन का ब्लॉक लगा देते हैं, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये कॉबलस्टोन का ब्लॉक और बाकी के सामने के दो ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, दो या तीन ब्लॉक तोड़ेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। पूरा कनेक्ट तो हो चुका है, मतलब ये सजावट का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे तीन ब्लॉक लगा लिया भाई, हमारा काम कंप्लीट हो गया। और ये जो बीच में खड्डा मैंने कर रखा है भाई, वो मैं ऊपर से कोशिश कर रहा था कि नीचे की तरफ जाऊं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लगाए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहा था ठीक से, बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम नीचे से जाके, ओ भाई गलत लगा दिया, नीचे से जाके एक एक्सपी फार्म के ऊपर जाएं और ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आएं, और वो काम कर गया भाई। और तो यहाँ पे मैं अपने फेंसिंग का काम, रात भी होने वाली है, फेंसिंग का काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो भाई तो मैं आपको इसका व्यू भी देने वाला हूँ दूर से कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
और भाई ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, तो बहुत खुशी हुई। एक यूनिक चीज़ मैंने बनाई है, शायद इसके पहले ऐसी कोई चीज़ किसी ने बनाई नहीं होगी, मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो भाई रात हो चुकी है तो मुझे अभी यहाँ पे टॉर्चेस लगानी है, तो यहाँ पे उजाला रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और इसका व्यू भी भाई मैं आपको दूर से देने वाला हूँ, और ये साइड में जो वॉल के ऊपर जो मैंने फेंसिंग की है उसके ऊपर भी टॉर्चेस लगाए। तो गाइस कैसी लगी आप ज़रूर बताइए भाई, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई इस चैनल को। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो इसको मैं और भी अपग्रेड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे पास बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान है गाइस। तो आपको लिए, आपको उसके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेगा वॉल बनाने में भाई मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो मैं नहीं चाहता कि और लंबा चौड़ा इसको खींचूं, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो भाई उसके बाद हम और भी भयंकर, खतरनाक और भी यूनिक चीज़ें करेंगे, ताकि भाई और भी मज़ा आए और वीडियो में बने रहिए। ये है पहला पार्ट हमारे मेगा वॉल का। पता नहीं भाई इसके बाद और कितने पार्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे दो इसके अगले पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँ। तो भाई यहाँ पे ये जो स्काफ होल्डिंग है ये तो पूरा ब्लॉक हो चुका है, मतलब ना मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ ना उतर सकता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से एक एक ब्लॉक ज़्यादा बढ़ा दूँगा, ताकि भाई चारों तरफ मैंने बढ़ाई है। और यहाँ पे एक ब्लॉक इसलिए बढ़ाऊँगा क्योंकि भाई ऐसे भी तो मेरे को दोनों साइड में ब्लॉक लगानी है, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत कर दे और उसके ऊपर से फेंसिंग डाल दे, ताकि हमारा ये जो स्काफ होल्डिंग है ये क्लियर रहे और हम आसानी से ऊपर नीचे जा सके। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ मेरे को करनी थी जो मैं भूल गया, शायद करने से अच्छा रहता, बाद में भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हर एक पिलर के ऊपर जो मैंने ये जगह बनाई है, तो इसके ऊपर एक एक बेड रख देना चाहिए था। काम करते करते भाई रात हो गई, कहीं से ऊपर से फैंटम वगैरह ना आ जाए, और ये गलत लगा दिया, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा और ताकि हम वहीं पर सो जाए, लेकिन वो फैंटम बहुत परेशान करते हैं भाई, क्या बोलूँ। चलो कोई नहीं, तो मेरा नीचे घर दिख रहा है भाई, बहुत छोटा सा दिख रहा है, और ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और ऐसे ही जोड़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और भाई इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।